चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे क्योंकि JCB 3DX BS474HP BS4 मशीन है, उसके अंदर के फीचर्स जानेंगे। ये हम आ गए मशीन के अंदर, अपने प्लाट पे खड़ी हुई है। देख लीजिए अंदर से लुक। इस पे यहाँ पे LED लाइट दी गई है। थोड़ा सा मैं सीट को पीछे कर लेता हूँ। ये मैंने लगाई चाबी, अरे लग जा। ये देख लीजिए पीछे ट्रैक्टर खड़ा हुआ अपना। ये लोडर गियर, पहले पुरानी मशीन में यहाँ मीटर दिया जाता था, पर यहाँ से हटा दिया गया है। देखिए चालू करेंगे। यहाँ पर वार्निंग का, और जो अपन मशीन किलोमीटर और गियर बताती है मशीन इस डिस्प्ले पे। यहाँ पे RPM बताती है कितने RPM पे चलाना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो सर्विस बताती है, इधर टेम्परेचर बताती है, इधर फ्यूल बताती है। ये जो बटन है इसको स्विच करने से मशीन पावर मोड और इको मोड में चलती है। ये ऑटो स्टॉप, मतलब अगर मशीन 6 मिनट तक, अगर मान लो अपन ने चालू कर दी और 6 मिनट तक अगर ऑपरेटर ऑपरेट नहीं करता है तो ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाएगी। ये ट्रिप का है, इससे ट्रिप मीटर 0 हो जाएगी। ये KPC का है, SOS बटन है, इससे आप जैसे कि जब भी कोई कस्टमर मशीन लेता है तो उसके जो रजिस्ट्रेशन होता है उस नंबर पर कॉल जाएगी। अगर आप किसी जंगली एरिया में हैं या किसी भी एरिया में जहाँ पे आपको मोबाइल नेटवर्क नहीं मिल रहा है, आपके मशीन में डीजल ख़त्म हो गया या कुछ भी है, तो इस बटन को आप 5 सेकंड तक प्रेस करके छोड़ दिए। इससे आपके जो आपका ओनर है मशीन का, जो भी आपके मालिक है, सेठ है, उनके पास मैसेज कॉल चला जाएगा कंपनी के थ्रू। आगे एक ये बटन लोडर की दी गई हुई है, एक ये इंडिकेटर की दी गई हुई है, और एक ये लाइट की दी गई है। मैं आपको चालू करके बता देता हूँ। देखो ऐसा है कि ये जो बीप है, ये बीप जब तक बंद नहीं होती तब तक अपनी मशीन चालू करना नहीं होती, क्योंकि ये BS4 मशीन है। इस पर अपना सेकंड डिटेक्टर खड़ा हुआ है। देखो BS4 मशीन है, इसमें क्या है कि जो मोटर है, मोटर लगी होती है, इसमें पंप हटा दिया गया है। मोटर पंप मोटर इंजन तक डीजल को चढ़ाती है, इसलिए जब भी तब तक बंद नहीं होगी जब तक अपन को ये मशीन चालू नहीं करना। अब देखना अपन मशीन चालू करेंगे। देखो आप